see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive. सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया एडिटिंग का वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला है कुछ स्टेप से अपनी स्किन को स्मूथ कैसे करें, वो भी एकदम HD में। आप देख सकते हैं कितनी HD में हमारा पूरा फोटो जो है एडिट होता है। सो गाइस, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि इस तरीके से स्किन कैसे स्मूथ करें। तो गाइस, ये है हमारा पहले वाला फोटो। आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से हमारी पहले वाली फोटो है, कैसे हमारे गाल पर जो है पिंपल है, और कैसे हमारा बैकग्राउंड है, पूरा फोटो किस तरीके से दिखता था पहले, इसको हमने एडिट किया है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से पूरा फोटो जो है बनकर आया है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा वक्त ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें इस फोटो को एडिट करने के लिए आ जाना होगा लाइटरूम ऐप के अंदर। तो इस फोटो को हम यहाँ से ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप में। तो गाइस, लाइटरूम ऐप में सिंपल से हम यहाँ से लाइट मैनेज करेंगे, और थोड़ी सी हल्की सी कलर टोन देने वाले हैं। सो उसके लिए हम एक प्रीसेट का यूज़ करेंगे। सिंपल सा गाइस, ये वाली वो प्रीसेट है जो मैंने खुद से ही बनाई है गाइस, ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैंने सारा प्रोसेस करके एक प्रीसेट में ऐड कर लिया था। अभी गाइस, सिंपल सा इस प्रीसेट को हमें यूज़ करके उस फोटो को एडिट करना है। गाइस, आपको भी इस प्रीसेट की मदद से फोटो एडिट करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। तो गाइस, इस प्रीसेट को यूज़ करने के लिए सिंपल सा आपको कॉर्नर में जो है 3 डॉट दिख रहा होगा ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं गाइस, उस 3 डॉट पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ कॉपी सेटिंग पर हमें क्लिक कर देना होगा, ठीक है गाइस। अभी यहाँ डन पर क्लिक करेंगे, अभी उसी फोटो में आ जाना होगा जिसको हमें एडिट करना है। यहाँ पर भी सिंपल सा 3 डॉट पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पर हमें पेस्ट सेटिंग कर देना होगा, ठीक है गाइस। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी पूरी फोटो जो है एडिट हो चुकी है, लाइटिंग एडिट हो चुकी है। अभी गाइस, सिंपल सा शेयर पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है इस फोटो को। तो इस फोटो को लेकर आ जाना होगा स्नैपचैट में। तो स्नैपचैट में आ जाने के बाद सबसे पहले तो टूल्स पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ टून इमेज पर हमें क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ से अगर सैचुरेशन को हम इंक्रीज करेंगे, इतना कर देना है सैचुरेशन को। देन यहाँ एम्बिशन को भी हल्का सा इंक्रीज करेंगे अभी, ठीक है गाइस। हाईलाइट को जो है डिक्रीज कर देना होगा। देन शैडो को जो है हम लोग इंक्रीज करेंगे, अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा गाइस, मैं इतना रखता हूँ, ठीक है गाइस। अभी यहाँ से डन कर लेना होगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद सिंपल सा इसमें हम डिटेल्स ऐड करेंगे, उसके लिए सिंपल सा टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, इतना कर देना है। शार्पनिंग को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना होगा। अभी गाइस, हम यहाँ से डन कर देना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी गाइस हम क्या करेंगे, हमारा फेस जो है कहीं पर ब्लैक है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा वाइट है, उसको हम एक ही लेवल में करेंगे। सो उसके लिए सिंपल सा गाइस, यहाँ टूल्स पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ सिलेक्टिव वाला टूल है ना गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना है, और जो पार्ट ब्लैक है ना गाइस, उसको हमें कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा। देन उसके ब्राइटनेस को जो है हमें इंक्रीज कर लेना होगा। अभी गाइस, कुछ इस तरीके से मेरी पूरी फेस को जो है हमें मैनेज कर लेना है, ठीक है गाइस। सो गाइस, हमारा फेस हो चुका है मैनेज। आप देख सकते हैं कितना HD में हमारा पूरा फोटो जो है स्नैपचैट में कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइस, यहाँ डन पर क्लिक करके इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। तो गाइस, सेव करने के बाद सिंपल सा हमें आ जाना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक में हमारी स्किन को स्मूथ करने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस कैसी हमारी स्किन है, इसको हम स्मूथिंग करने वाले हैं। सो गाइस, स्मूथिंग करने के लिए सिंपल सा पेंसिल वाला आइकन पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ गाइस स्मूथ में आ जाना होगा, और ये वाला ब्रश है ना गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना है। ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है, इसकी सेटिंग को आप देख लीजिए गाइस, फ्लू है ना उसको 1 रखना है, और स्ट्रेंथ है ना गाइस उसको हमें करीबन इतना कर देना है, ठीक है गाइस, 10 रखना है स्ट्रेंथ को, और साइज को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अभी गाइस, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, और कुछ इस तरीके से अपने फेस पर हमें जूम कर लेना होगा, इस तरीके से जूम कर लेना है, और साइज को हम यहाँ से मैनेज करेंगे। सो इतना करने के बाद सिंपल सा इस ब्रश को जो है मैम और फेस पर अप्लाई कर देना होगा, कुछ इस तरीके से बिल्कुल ही हल्के हाथों से अपने फेस पर इस ब्रश को जो है चलाना होगा गाइस, और फोटो का एंगल चेंज करके स्मूथिंग करना होगा गाइस। जिस तरह के एंगल है उसी एंगल में हमें स्मूथिंग करना होगा, तभी अच्छे तरीके से आप स्मूथिंग कर पाएंगे। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ब्लैक है उसको हम हटाएंगे, कुछ इस तरीके से स्मूथिंग करना है, गोल गोल आकर से स्मूथिंग करना गाइस, जिससे आपके फेस पर कहीं पर ब्लैक होगा तो वो भी चला जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से हम स्मूथिंग करें, उसी तरह से आप स्मूथिंग करिएगा गाइस, और जितना हो सके उतना जूम करके स्मूथिंग करना गाइस। सो चलिए गाइस, मैं जल्दी से पूरा फेस स्मूथ करके आपको दिखा देता हूँ।
feeling behind my eyes. You stood out cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. तो अगर स्मूथिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से अपनी पूरी फोटो जो है दिखने वाली है। अब देख सकते हैं कितना HD में हमारा पेज जो है स्मूथ हो चुका है, कितना बढ़िया लगता है वो हमारा फोटो। तो गाइस इतना करने के बाद सिंपल सा हमारे जैकेट पर हमें कलर ऐड करना होगा। हमारे जैकेट पर हमें कलर ऐड करना है। तो गाइस कलर ऐड करने के लिए सिंपल से यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके क्लियर बना देना है। अभी गाइस उस लेयर में हमें चले जाना होगा, सो उसके ब्रांडिंग मोड में चले जाना है। उसको हमें यहाँ से जो है ना गाइस सॉफ्ट लाइट कर देना होगा, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस ओवरली करना है, सॉफ्ट लाइट नहीं करना है। फिर यहाँ से बैक आ जाना है। अभी गाइस यहाँ पेंसिल वाला आइकन में चला जाना है और गाइस ये वाला ब्रश हमें सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी बैक आ जाना है। अभी सिंपल सा कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हमें रेड वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। रेड वाला कलर सिलेक्ट करेंगे, अभी यहाँ से भी हमें बैक आ जाना होगा। तो गाइस इस कलर को जो है हमें हमारे जैकेट पर ऐड कर लेना होगा। सो चलिए गाइस मैं जल्दी से ये भी कर लेता हूँ। Whenever you feel like you're about to sink, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel. So finally guys हमारी जैकेट पर जो है रेड कलर ऐड हो चुका है। अभी गाइस हम क्या करेंगे, हल्का सा रेड कलर हम कम करेंगे। उसके लिए सिंपल सा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमने जो लेयर बनाया था उसमें चले जाना है, देन यहाँ ओपासिटी को हमें कम कर देना होगा, इतना रखना है, ठीक है गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो चुका है अब हमारा जैकेट। तो गाइस इतना करने के बाद सिंपल से हम हमारे गूगल्स पर कलर ऐड करेंगे, हमारे चश्मे में कलर ऐड करने वाले हैं। सो उसके लिए सिंपल से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके क्लियर बना देना है। अभी गाइस उस लेयर में हमें चले जाना होगा, उसके ब्रांडिंग मोड को हमें यहाँ से सॉफ्ट ऐड कर देना होगा, ठीक है गाइस। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे। अभी यहाँ ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ से ये वाला ब्रश हमें सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ से भी हमें बैक आ जाना है। अभी गाइस हमें जो कलर ऐड करना है उस कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम सिंपल सा येलो वाला कलर यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, सो येलो कलर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी गाइस इस ब्रश को जो है हमारे चश्मे पर चला देना है, ठीक है। सो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारे चश्मे पर भी कलर ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लगता है वो हमारा फोटो। लेकिन गाइस हमारे फेस पर जो हमें लाइट चाहिए थी वो लाइट अभी तक नहीं आई है। हमारा फेस जो है थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखेगा। आप देख सकते हैं गाइस कैसा हमारा फेस है, हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं होता है। सो उसको हम लाइट देने वाले हैं। उसके लिए सिंपल से लेयर पर क्लिक करेंगे, देन या प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक नया लेयर बना देना है। अभी गाइस उस लेयर में हमें चला जाना होगा, उसके ब्रांडिंग मोड को हमें यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देना है। फिर गाइस हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। अभी गाइस सिंपल सा कलर वाला ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ से हमारे स्किन का कलर जो होता है उस कलर को हम सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। फिर यहाँ से भी हमें बैक आ जाना होगा। सो गाइस ब्रश को हमें कुछ नहीं करना है, ब्रश को हम यहीं रहने देना है। पहले जो हमने चश्मे पर कलर वाला ब्रश लिया था उस ब्रश को ही रखना है हमें। सो गाइस इस ब्रश को आप जैसे अपने फेस पर चलाएंगे तो आपके फेस पर ऑटोमेटिकली लाइट आ जाएगी। बाकी हमारी पूरी फोटो जो है गाइज यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो गाइज हमारी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो जो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो चलिए गाइज मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।